नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट्स में स्वागत है। दोस्तों, पहले हम अपनी बात करते हैं। हमने 27 वीडियोस बना दिए हैं। हम अपने बारे में भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट चैनल इज आवर इनिशिएटिव टू स्प्रेड फाइनेंशियल नॉलेज एंड इंश्योर एवरी पर्सन टेक्स ऑन इंफॉर्मेटिव डिसीजंस। There are many influencers who are making contents on YouTube without any practical knowledge. Beginner's approach to market gives you the platform to get real-time knowledge on current market. We don't talk stocks in futures and options or intraday trading. Our research team works hard to pick good quality stocks as per their fundamentals, availability at reasonable prices. If you are long-term investors and in search of fundamentally strong shares, then this platform is for you. तो अब दोस्तों, अब हम अपने आज के शेयर की और बात करते हैं। Now we turn on our today's pick, that is SKF India Limited. SKF is leading suppliers of products, solutions and services within rolling bearing, seals, mechatronics and lubrication systems. Company का product portfolio है जो वह प्रमुख तौर पर bearing, seals and lubrication system का है। Revenue breakup इस प्रकार है। मार्च 22 के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से 54%, सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स से 42% और सेल ऑफ सर्विसेज से 2%, अदर से 1% कंपनी को रेवेन्यू आया है। कंपनी ज़रूरत का सामान जैसे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड गुड्स अपनी सिस्टर कंपनी AVSKF स्वीडन से लेती है। अभी कंपनी के 620 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 8 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है। यह इसका नेटवर्क है सेल का। दोस्तों, कंपनी के अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो पुणे, बेंगलोर और हरिद्वार में स्थित हैं। कंपनी की 4 सॉल्यूशन फैक्ट्रीज हैं। 31 मार्च 2022 को कंपनी के 50 न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। थोड़ा इसमें पेरेंट्स कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। AVSKF स्वीडन का 53% होल्डिंग है। AVSKF कंपनी स्वीडिश कंपनी है जो 1907 में इस्टेब्लिश की गई थी। कंपनी को रॉयल्टी फीस तथा ट्रेडमार्क फी देनी पड़ती है। मार्च 22 में 93 करोड़ की इसने पेमेंट की थी। मार्च 22 में कंपनी की एक सब्सिडी कंपनी है जिसका नाम सन स्ट्रेंथ रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड है। उसकी 26% शेयर कैपिटल है कंपनी के पास। यह बहुत ही हाई टेक कंपनी है दोस्तों, जो इंडिया में 1923 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। SKF बेयरिंग एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ब्रांड है जो 130 देशों में है। यह एरोस्पेस, एग्री, कार्स एंड लाइट ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन, फूड एंड ब्रेवरेज, मशीन टूल्स, मैरिन मटेरियल हैंडलिंग, मेटल्स, माइनिंग, मिनरल्स प्रोसेसिंग, सीमेंट, ओशियन एनर्जी एंड अदर इंडस्ट्रीज में एप्लीकेबल है इसके प्रोडक्ट्स। इनके प्रोडक्ट अन्य सॉल्यूशन के अलावा बेल्ट्स, पुली, चेंज, बुशिंग, हब्स, बोल्ट एंड टाइटनिंग सिस्टम में भी काम करते हैं। एडिशनली इट ऑफर्स टेक्निकल कंसल्टेंसी, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस एंड डिजाइन, रूट कॉज एनालिसिस, सर्विसेज, असेट्स मैनेजमेंट एट्सेट्रा। बेयरिंग और SKF एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है दोस्तों, क्योंकि जैसे डालडा और वेजिटेबल घी दोनों में डिफरेंस करना मुश्किल हो गया था, उसी तरह बेयरिंग और SKF में डिफरेंस करना आजकल मुश्किल है। जब भी बात होती है बेयरिंग की तो SKF की बात ही हो
होती है। तो दोस्तों अन्य हम फंडामेंटल भी इसके समझ लेते हैं। अभी हमने जो इसका बिजनेस मॉडल देखा, बिजनेस मॉडल में यह लीडर है अपने बेयरिंग में, और इसका जो लीडर है कंपनी उसका शेयर तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा ही होगा दोस्तों। तो अगर शेयर अच्छा है तो कंपनी अच्छी है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। अब हम फंडामेंटल्स समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है जो 25,400 करोड़ है, करंट प्राइस 5134 है, हाई एंड लो है जो 5149 और 2981 है, स्टॉक पी है जो 52.5 है, बुक वैल्यू 425 है, डिविडेंड जील्ड है जो इसकी जो 14.70 पर शेयर इसने दिया था 0.28% है, आरओसी है जो 30.6% है, आरओई 22.9% है, फेस वैल्यू 10 है। तो दोस्तों इसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत अच्छे हैं, इसमें कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस एंड कॉन्स भी चेक कर लेते हैं। प्रॉस है जो कंपनी है डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो दोस्तों 88.2% हेल्दी पे आउट मेंटेन करती है कंपनी, डिविडेंड पे करती है। कॉन्स्टेंट है जो वो नील है थोड़ा, एक आप मान सकते हैं तो वो ये है कि इसकी जो पिछले 5 साल की जो एवरेज सेल है वो 6% के करीब रही है। तो क्वार्टरली हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, सितंबर 21, जून 22 और सितंबर 22 के चेक करेंगे। टॉप लाइन है जो सितंबर 21 में 966 करोड़ थी, जून 22 में 1055 करोड़ थी, सितंबर 22 में 1078 करोड़ है। ओपीएम है जो सितंबर 21 में 17% है, जून 22 में 17% है, और जो बढ़ के 20% हो गया जो बहुत अच्छी बात है, इससे नेट प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा दोस्तों। नेट प्रॉफिट है जो 118 करोड़ है सितंबर 21 में, जून 22 में 129 करोड़ है, सितंबर 22 में 156 करोड़ है। तो दोस्तों ऑटो सेक्टर पूरे का पूरा ही पिछले 3-4 साल में स्लगिश रहा, कुछ तो इसके पीछे कोविड भी था, और प्री कोविड के आसपास अब आ गया है, इवन उससे बेटर ही अब आ गया है। तो अब यह कंपनी भागने को तैयार है। तो दोस्तों अब इसकी हम जो बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व है जो 2050 करोड़ के हैं, बोरिंग 16 करोड़ है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 33 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की है। तो आप समझ सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स बहुत ज़्यादा अच्छे पड़े हुए हैं कंपनी के पास, कंपनी को किसी तरह की कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसने कुछ भी काम करना है तो अपने पैसों से वो कर सकती है। तो दोस्तों इसकी जो CAGR है प्राइस ग्रोथ, वो 10 साल में 24% है, 10 साल में 24% है, तो अच्छी है, बहुत ही अच्छी प्राइस ग्रोथ है, या यूँ कह लें कि इसकी ग्रोथ थोड़ी स्टेडी ही रहेगी। तो परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन इक्विटी है जो वो 10 साल की 17% है, थोड़ी 20 से कम है, लेकिन अब बढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि पीछे 3-4 साल इसका बहुत थोड़ा मार्जिन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा, इसलिए अब बढ़ने को यह तैयार है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं दोस्तों। प्रमोटर का जो शेयर्स है 52.58% है, FI 6.36% है, DII का बहुत ज़्यादा है 29.2% है, पब्लिक 12.5% है। तो पब्लिक के पास तो बहुत कम शेयर होल्डिंग है, तो दोस्तों ज़्यादातर FII, DII और प्रमोटर के पास ही है। तो इतना करने के बाद अब दोस्तों अब हम थोड़ा वैल्यूएशन भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन से ही पता चलता है कि क्या ये शेयर ख़रीदा जा सकता है या अभी रुकना है। तो दोस्तों वैल्यूएशन है जो लगभग इंडस्ट्री PE पर ही मिल रहा है, ये लीडर है अपने एरिया का बेयरिंग बनाने वाली कंपनियों का। जो भी आपको मैंने पहले भी बताया कि बेयरिंग मींस SKF एंड SKF मींस बेयरिंग, तो इसको रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है। रीजनेबल तो नहीं कह सकते, भी वैल्यूएशन ठीक है, लिया जा सकता है इस रेट पे भी, क्योंकि आगे बढ़ने वाला ही है। इज SKF इंडिया
लिमिटेड इज गुड क्वालिटी कंपनी? यस। पास्ट 10 ईयर्स फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड एनालिसिस बाय मनी वर्क्स फॉर मी इंडिकेट्स दैट SKF इंडिया इज गुड क्वालिटी। YTD में शेयर धारकों को दोस्तों इसने 35% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में इसने 35% का रिटर्न दिया है। इज SKF इंडिया इज मल्टी बैगर कंपनी? यस। ऑन December 15, 2021 HDFC सिक्योरिटीज गिव्स बाई टैग टू दिस मल्टी बैगर स्टॉक। वेल्थ वॉलेट इन्वेस्टर्स डॉट कॉम ने 1 ईयर टारगेट है जो 5798 रुपीज़ दिया है, और 5 वर्ष में हमारी टीम यह समझती है कि यह 3 गुना तक हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने November 14, 2022 को इसका टारगेट 6000 रुपये दिया है। तो दोस्तों ये है, हम तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह ले सकते हैं, हम तो आपको एक डिसीजन लेने के अंदर आपकी मदद ही करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने जो आपको बताया है वो तथ्यों पर आधारित है और अपना हमारा कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर हम आपको कहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियोस के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो कृपया इनको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, तथा आप सब्सक्राइब तो कर ही लें चैनल को, क्योंकि हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।